गाड़ी दो पहियों वाली। तू कहाँ चल दी? एक मिनट। क्या? यार ऐसे मत देख मुझे, मैं तुझे बताने वाला था। लेकिन फिर उनसे मिलने गए? खत्म करना था ना चीजों को, इस पार या उस पार। जब से वो यहां से गई है, वो जब से मतलब तूने मतलब हाँ, जब मैंने उनको घर से निकाला था, याद है क्यों निकाला था? अच्छा सुन, देख ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सब भूल चुका हूं एकदम। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को कहनी होती हैं, और वो ना कहो ना तो फिर वो दिल में रह जाती हैं और बहुत परेशान करती हैं। पता है रिश्ते ना कभी भी बुरी तरह से खत्म नहीं करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इंसान आगे नहीं बढ़ पाता बेटा। फिर क्लोजर। क्लोजर आई नो। बैठो। तो हो गया, आगे बढ़ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। श्योर? तो कल रात को लैम शिट के साथ क्या कर रहे थे? अरे यार, एक तो ना इस लॉकडाउन में मैं क्या बताऊं, मतलब धंधा वंधा सब चौपट हुआ पड़ा है, काम कुछ है नहीं, दिमाग ना खेल करने लगा है। तो मेरे साथ में वो लोग बोलते हैं ना कि चीख लो चिल्ला लो जरा, तो दिल दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है। मैं सिर्फ वो करने की कोशिश कर रहा था, वरना लैम शेड के साथ में और कुछ नहीं था, बस वही था। तो अब ठीक हो आप? मैं फिट हूं बिल्कुल, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अच्छो तेरी बारी। क्या मेरे बारे? बोल क्या? ठीक है तू? ठीक है तो फिर पता नहीं क्यों काजल ने मुझे बोला कि तू तुम्हारा ही अमदूत के साथ काम करेगी। तो यार काजल मेट्रो नहीं, उसको हर चीज आपको मैसेज करना जरूरी होता है क्या? पलट बात मत पलट। तू फिट एंड फाइन है? हो जाऊंगी जल्दी। ए बस भी कीजिए, आप लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे हम शिफ्ट नहीं कर रहे, कोई मर गया है। बहन जी आपकी कोई गलती नहीं है, सारा सियापा तो मेरे ही है। आपने तो इतनी खातिर की हमारी, इतने पराठे खिलाए, मुझे ही परेशानी थी। पराठे से परेशानी जी, भगवान ने मुझे सजा दी, इतनी दूर जाके पटक दिया है। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं माँ। अरे अब रोना धोना बंद भी करो, है किसको कितने दिन कहाँ रहना है ये सब ऊपर वाले ने लिखा है। गुनीत जी
कुछ हो गया क्या? अरे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है। अरे आप लोग बस कुछ नहीं हुआ है, हम तैयार है निकलने के लिए, बस निकल रहे हैं। दो गुनीत जी जरा दो मिनट सुनिए, बात करनी थी आपसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब सब कुछ तैयारी हो गई तो आप कह रहे हैं नहीं रह सकते? इसमें मैं क्या करूं बताइए। अरे जो उन्होंने बोला, बॉस ने बोला, वही मैं कह रहा हूं, आपसे कुछ अलग थोड़ी कह रहा हूं। पर लेटर तो मैं दे चुकी हूं ना, कंपनी से लाकर लेटर दिया था ना, सबसे पहले वही किया था। अरे वो ठीक है, लेकिन पुराने मकान मालिक से रेफरेंस लेटर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? तसल्ली हो जाएगी उन्हें। सामने तो रहते हैं, साइन करा लीजिए। कल तक भी मिल गया तो यूं शिफ्टिंग करा दूंगा मैं आपकी। तक तो शिफ्टिंग करा नहीं पाए। आप पहले शिफ्टिंग करा दीजिए ना, लेटर मैं बाद में दिलवा दूंगी। आप साइन कराओ, शिफ्टिंग में कराता हूँ, ठीक है? क्या स्यापा है यार, क्या नाता है हम दोनों के बीच? कुछ भी कर लो, कनेक्शन टूटता ही नहीं है। मैं यहां था नहीं, मतलब था पर वो तुम आज तो आप आज जाने वाली थी तो मुझे लगा मैं रास्ते में ना आ जाऊं, आंखों के सामने ना पड़ जाऊं। आपको लगता है इतनी छोटी छोटी पत्तियां आपको छुपा सकती हैं? नहीं तो ऊपर हूं ना, इसलिए आंखों के सामने कोई प्रॉब्लम हो गई? आप जा नहीं रहे आज? नहीं। एक मिनट, मैं मदद कर दूं कुछ? लेटर लिख देंगे? लेटर? रेफरेंस लेटर, मेरे बारे में कुछ अच्छा आप लिख देंगे? नहीं नहीं, रेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर अच्छा होना चाहिए और जल्दी प्लीज। नो मिस्टर प्रोजेक्टेड, कहां तक पहुंची गाड़ी? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। निया को क्रिएटिव ब्रीफ दिया? काम शुरू किया उसने? नहीं, वो अभी नहीं किया है। बट नहीं, और अभी नहीं, ऐसे दो शब्द हैं जो मैं कभी सुनना नहीं चाहता। सर उसमें कबीर की कोई गलती नहीं है। तो खुद आ गई बकरी बलि चढ़ने। अगर इसकी गलती नहीं है तो तुम्हारी होगी। मिस्टर कैप्टन, यू हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? या, और जब तक मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालता ना, प्रॉब्लम ये है कि मेरा काम रुका रहेगा। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यस यू डू, एंड आई विल टेल यू व्हिच वन। कम सिट ऑन द फ्लोर। आई एम सीरियस, बोथ ऑफ यू। बी कंफर्टेबल, आराम से बैठो। तुम्हारा एक नया क्लाइंट है, ठीक है? लेकिन उस नए क्लाइंट को लगता है कि तुम लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हो अपने पुराने क्लाइंट की वजह से, जिसकी वजह से उसका काम डिले हो रहा है। लेकिन ये नया क्लाइंट तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार है जो पुराने क्लाइंट ने आज तक नहीं दिया। मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहा है, पैसे ज्यादा दे रहा है, ज्यादा साल तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है, पर उसको सिर्फ यही लगता है कि तुम पुराने क्लाइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? अब सही करें, अगर नए क्लाइंट को कन्विंस नहीं किया कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा। करेक्ट। सो बट एट द सेम टाइम हम पुराने क्लाइंट को जाने नहीं दे सकते ना, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी अपने पुराने क्लाइंट को नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसी से तो उनकी मार्केट में गुडविल बनती है। बट कंपनी की फ्यूचर के लिए हमें नए क्लाइंट को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें एहसास दिलाना जरूरी है कि हम उनके लिए कमिटेड है, उन्हें खुश रखना जरूरी है। राइट, एक्सीलेंट। और ये कैसे करोगे? कोई बड़ा जेस्चर, कुछ ऐसा जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। हाँ, मतलब जिससे उनको यकीन हो जाए कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे उन्हें हमारा पैशन दिखे और उनको बिल्कुल डाउट ना हो। उनको बिल्कुल डाउट ना हो। और कैसे फील कराओगे इस कंपनी को कि वो इंपॉर्टेंट है? कैसे दिखाओगे अपनी कमिटमेंट वरा को? मैं उसको बोल दूंगा वो मेरे साथ मेरे घर में मूव इन हो जाए ना।
तो जब आपके पास आपका घर है तो फिर घर ढूंढने की इतनी जल्दी क्यों मेरे भाई? एंड रिलेशनशिप हो या काम, देखो नए रिलेशनशिप को कमिटमेंट दिखानी जरूरी है ना, वैसे काम में भी कमिटमेंट दिखानी बहुत जरूरी है, isn't it? करेक्ट? यस ऑफ कोर्स। तो ये ऑफ कोर्स बिजनेस में दिखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने पुराने रिश्ते के साथ चिपके रहो या नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे तबाह करनी है वैसे करो, लेकिन मेरे काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो रायता फैला रखा ना आप लोगों ने, इस रायते को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समेटिए। गेट योर एक्ट टुगेदर, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, फोकस। श्योर। कई पत्तों के बीच एक फूल होता है, करोड़ों तारों में एक चांद होता है, और लाखों इंसानों में एक गुनीत सक्का होती है। उसकी खूबसूरती उसके दिल में है, उसकी खासियत उसके इरादों में है, उसकी पहचान उसकी हिम्मत से है। वो दूसरों का दर्द समझती है, खुद की परवाह किए बिना औरों की मदद करती है, रास्ते में पड़ा पत्थर कोने में कर देती है, घोंसलों से गिरे चिड़िया के बच्चों को घर ले आती है। उसके आंगन में हर रंग खिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रंग उस पे खिल जाता है। उसकी बनाई खीर में प्यार का स्वाद आता है। जिंदगी तो मैं पहले भी जी रहा था, जब से गुनीत जी से मिला हूं जीना आ गया है। उसके बिना सब अधूरा सा लगता है, सब कुछ, हर बात पर उसकी याद जैसे घर करके बैठी हो मेरे जहन में, हर याद जैसे कोई कहानी सी सुनाती है, कुछ पुराने किस्से सुनाती है, जिन्हें याद करके एक खुशी सी यूं ही मिल जाती हो जैसे। ये रेफरेंस लेटर है। और क्या ये? हाँ, मुझे मालूम नहीं था ऐसे लिखते हैं। है, खैर मुझे क्यों बुलाया? 12 पन्ने की लिख दिए, थोड़ा छोटा करना है उसको। हंसो मत हकीम, छोटा करना हो पाएगा तुमसे? कर पाओगे मदद? मैं निकलता हूँ गुरु। हाँ, काम छोड़ के आया था। इन्हीं से कान छाट करवा लो।
थोड़ा फ्री हो गया। तो अब खुलेगा नहीं? ठीक करा दिया, खुलता है। हाँ? वो मैंने आपसे कहा था ना लेटर के बारे में। हाँ वो मैं लिख कर लाई हूँ। मैंने लिख दिया है, आप साइन कर दीजिए। मैंने सोचा कि कहाँ आप लिखते बैठेंगे तो मैं खुद ही लिख कर ले आई। आपने लिख दिया? गुनीत सिक्का और उनकी माँ 10 महीने मेरे किराएदार थे। वो बहुत ही शांति से रहे। चाहिए तेरा किराया मुझे। नहीं नहीं नहीं, लेके जाइए आप यहाँ से। जाएगा तो तू यहाँ से, और ये तेरे जाने के बाद ये घर होगा मेरा। हमारे घर में कोई दखलंदाजी नहीं की। घर की देखभाल की। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, आग लगा दूँ अपने घर को, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी माँ की ना कान में रुई और मुंह में कपड़ा ठूस के रखो, बुढ़िया सटे आ गई। तमीज से बात कीजिए मेरी माँ के बारे में, वरना इस फटे हुए हारमोनियम को ना हथौड़े से बजा दूंगी। और सही वक्त पे किराया दिया। ड्यू डेट से 2 दिन ऊपर हो गए। इस महीने का किराया कब दे रही हैं आप? क्या किराया कब दे रही है इस महीने का? चेक डाला है, पास होगा तो दूंगी। उन्हें किराए पे घर देने पे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी बात सच नहीं है एक्चुअली। किराया तो मैं देती थी। नहीं किराया देती थी, लेकिन वो सही वक्त 19-20। और वो बहुत ही शांति से रहते थे, मतलब एक किराए से दूसरे किराए घर का ख्याल रखते थे। नहीं नहीं नहीं, वो वाली ठीक है, लेकिन फिर वो एक ठीक है और बाकी ये छोड़िए। ये चिट्ठी जरा थोड़ा दफ्तर टाइप चिट्ठी नहीं है, है? मतलब थोड़ा पर्सनल टाइप में चलेगी आपको। सुना मैंने, पर ये कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें वैसी वाली बातें भी हैं जैसे होती है ना रोजमर्रा वाली। जैसे? जैसे मकान मालिक बीमार पड़ा, उसको अस्पताल लेके गई, वहां पे उसका ख्याल रखा और जब तक वो ठीक नहीं हो गया पूरा तब तक उसके साथ रही। ये मेरे बारे में लिखना था, किसी नर्स के बारे में नहीं। नहीं आपके बारे में लिखा है, जो आपने किया वही लिखा है। मैं झूठ झूठ क्यों लिखूंगा? झूठ मैं बोलता नहीं। झूठ तो आप बोलते थे। आपको लेके तो नहीं बोलता झूठ कभी भी। ये आपका डब्बा मेरे पास था, खीर लाई हूँ उसमें मैं। आपने खीर बनाई है मेरे लिए? नहीं नहीं, घर में बनी थी तो डाल कर ले आई। वो हमारे यहाँ ना खाली डब्बा देते नहीं है ना, अगर किसी का डब्बा लौटाना है तो उसमें कुछ डाल के देते। नहीं हमारे यहाँ भी है वैसे। जैसे आपको पसंद है ना वैसे बनी है, किशमिश नहीं है इसमें। पर अब खीर में किशमिश पसंद है मुझे। लेटर? हाँ ये आप तार लेके जाइए, मैं शुक्ला के हाथ पहुंचवा लूंगा।
11 और 11 और है वो 12 पन्नों का लेटर। ये सब नमस्ते छोटी जी। नमस्ते पाधे जी, कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है। साहब अंदर है, कोई काम? नहीं एक्चुअली मैं यहाँ बस एरिया में आई हुई थी तो सोचा हेलो कर लूँ। अच्छा 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 जी, बाय। उसके बिना सब अधूरा सा लगता है, सब कुछ हर बात पर उसकी याद जैसे घर करके बैठी हूँ मेरे जहन में। जिंदगी तो मैं पहले भी जी रहा था, जब से गुनीत जी से मिला हूँ जीना आ गया है। हेलो। हाँ जी मैडम जी, बात हो गई क्या पुराने मकान मालिक से रेफरेंस की छुट्टी के लिए? हाँ हो गई बात। कब तक मिल जाएगी? हाँ बात कर ली है, एक दो दिन में दे देंगे। एक दो दिन? अरे मैडम जी चिट्ठी आप लिख दो, साइन उनसे करा लेंगे, वरना इस हफ्ते मकान शिफ्ट होना मुश्किल है। हाँ तो ठीक है ना, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, एक महीने बाद, क्या जल्दी है? अरे क्या बात कर रहे हो मैडम जी आप, हैं? आपने मकान शिफ्ट करना है या नहीं करना है? अरे इतने दिन कोई थोड़े रुकेगा मकान शिफ्ट कराने के लिए, वो भी एक बंदे के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.